नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। देश में सड़क हादसों के मामले में आए दिन आपको भी देखने को जरूर मिलते रहे होंगे। केंद्र सरकार ने अब इस तरह के होने वाले हादसों के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस तरह के हिट एंड रन मामले में पीड़ित की जान जाने पर उसके परिजनों को देने वाले मुआवजे में सरकार ने इजाफा करने का फैसला लिया है। इस मुआवजे में सरकार 1 अप्रैल से इजाफा कर देगी। सरकार ने बताया है कि 1 अप्रैल से मुआवजे में 8 गुना का इजाफा कर दिया जाएगा। भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स को पश्चिमी भागों की यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन जाने की सलाह दी है। दूतावास द्वारा सभी छात्रों को पश्चिमी भागों की यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन जाने को लेकर के जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्केड्यूल इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स पर प्रतिबंध को और भी आगे बढ़ा दिया है। भारत में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अगली सूचना तक निलंबित रहेंगी। कोरोना महामारी के खतरे से अभी पूरी दुनिया उभरी ही नहीं थी कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दुनिया के सामने नया संकट पैदा कर दिया है। सभी की नजर इस युद्ध और इसके परिणामों पर टिकी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो देश की आमने सामने की सबसे बड़ी इस लड़ाई में भारत भी अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि इस युद्ध की परिणति और कैसे भारत सहित विश्व के दूसरे देश इससे प्रभावित होंगे, इसी मुद्दे पर रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने अहम विश्लेषण भी किया है। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग का आज 5वां दिन है। सुबह से ही कीव के आसपास के इलाके में रूसी हमले जारी देखने को मिले। मिली जानकारी के अनुसार रूसी सैनिक पूरे बल के साथ कीव पर कब्जा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन बन रहे हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे अब यूक्रेन ने भी रूस के सामने घुटने नहीं टेकने की ठान ली है। जगजीवन नगर में बन रही दिल्ली पब्लिक स्कूल की जूनियर विंग के बिल्डिंग निर्माण को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बिल्डिंग का निर्माण कर रही एजेंसी ने काम कराकर पैसे नहीं देने का आरोप लगाते हुए सरायढेला थाने में प्रचारे डॉक्टर सरिता सन्हा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। रूस के सेंट्रल बैंक ने गिरते रूबल का संभालने के लिए एक हताशा भरी कोशिश के तहत अपनी प्रमुख दर को 9.5 से बढ़ाकर 20% कर दिया है। पश्चिमी देश द्वारा स्विफ्ट वैश्विक भुगतान प्रणाली से रूसी बैंक को बाहर करने के बाद सोमवार तड़के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रूबल लगभग 26% टूट गया था। फ्लोरिडा में 2 साल की एक बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। किंडर केयर नाम की कंपनी के डे केयर सेंटर में वहां के सॉफ्ट्स के भरोसे अपनी 2 साल की बच्ची को छोड़कर मां स्टेफनी मार्टिन किसी काम से बाहर गई। जब वो लौटी, ये मासूम बच्ची फ्रंट डोर के शीशे के उस पार रोती हुई दिखाई दी। दिल्ली में DDMA के आदेश के बाद सोमवार से राजधानी में सभी बाजार पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। दरअसल दिल्ली के कारोबारी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि देर रात तक दुकान खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए, जिसके बाद DDMA ने कोविड केस की संख्या में भारी कमी को देखते हुए कारोबारियों की इस मांग को मान लिया है। देर रात तक बाजार खोलने के लिए नाइट कर्फ्यू को हटाने की मांग भी की गई थी। प्रदेश में कोरोना काल में 19,515 लोगों को सरकारी नौकरियां विभिन्न प्रतिस्पर्धी एग्जाम से हासिल करते देखा गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 4,586 लोगों की नियुक्तियों की अनुसंख्या की है। ये पिछले 4 सालों में सबसे अधिक है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बताती है कि इससे पहले के साल मसलन 2019-20 में 1481, 2018-19 में 3340 और 2017-18 में 1862 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा बिहार लोक सेवा आयोग ने की थी। देश में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी है। आप सभी को बता दें कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,772 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक 118 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। इसी के साथ 16,189 मरीज रिकवर हुए। बीते दिन की बात करें तो 20,439 मरीज रिकवर हुए थे। इस दौरान सबसे अच्छी बात यह रही कि लगातार 21 दिनों में कोरोना के मामले 1 लाख से कम आ रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 टीम की विराट कोहली कप्तानी छोड़ देंगे। पहले इसका ऐलान वो कर चुके हैं। टीम इंडिया पहले ही T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। मुश्ताक अहमद पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज स्पिनर ने कहा है कि T20 टीम की कप्तानी ही कोहली वर्ल्ड कप के बाद नहीं छोड़ेंगे, बल्कि T20 क्रिकेट से ही वो संन्यास ले लेंगे। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने रविवार को कहा है कि रूसी अंतरिक्ष क्षेत्र सैटेलाइट और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन साइबर अपराधियों से पूरी तरह सुरक्षित है। रोस्कोसमोस का आधिकारिक वेब पेज कई दिनों से कई DDoS साइबर हमलों को झेल रहा है। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किए जाने के बाद बिहार में भी इसकी मांग उठने लगी है। राजस्थान सरकार के इस फैसले के बाद बिहार कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग उठाई है।
कर्मचारी चयन आयोग आज 28 फरवरी 2022 को एसएससी एमटी एसटीयर 1 परीक्षा 2021 का रिजल्ट घोषित कर सकती है। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी किया जाएगा। एक बार परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा कि क्या वो एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए टीयर 2 परीक्षा में शामिल होंगे या नहीं। इस समय रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। इस युद्ध पर पूरी दुनिया की नजर है। यूक्रेन पर 3 गुना ज्यादा आबादी वाले और परमाणु हथियारों से संपन्न विश्व शक्ति रूस के हमले चल रहे हैं। वहीं घुसी रूस की सेना लगातार हवाई हमले, मिसाइल हमले और टैंक के साथ साथ अत्याधुनिक हथियारों से यूक्रेन के शहरों में तबाही मचा रही है। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 28 फरवरी से कक्षा 1 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म केवीएस के एडमिशन पोर्टल kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जमा किए जा सकते हैं। बता दें कि रजिस्ट्रेशन 21 मार्च 2022 को शाम 7 बजे खत्म होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की रियलिटी शो लॉकअप का आगाज हो चुका है। ये शो ऑल्ट बालाजी और एबिक्स प्लेयर पर हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे स्ट्रीम होगा। कंगना और एकता कपूर ने पहले ही ये कह दिया था कि ये शो काफी कंट्रोवर्शियल होने वाला है और इसमें दर्शक वो सब देखने वाले हैं जो उन्होंने आज तक नहीं देखा होगा। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 5वां दिन है। रविवार को यूक्रेन पर चारों तरफ से रूसी हमले को तेज कर दिया गया था। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ वोटिंग से परहेज कर रहा है। ऐसे में यूक्रेन में फंसे कुछ भारतीय छात्रों ने बताया है कि पोलैंड के साथ यूक्रेन के बॉर्डर पर उनके साथ अभद्रता की गई है। चुलचुलाती ठंड में उन्हें रखा गया और खाने पीने या रहने की जगह भी नहीं दी गई। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के जाति प्रमाण पत्र की जांच कराने की मांग की गई, क्योंकि बीते 2 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स के अलावा एमफिल, पीएचडी जैसे कोर्स के छात्रों के जाति प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो सकी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने सोमवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया रूस पर नए प्रतिबंध लगाने जा रहा है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी सुरक्षा परिषद के सदस्यों पर भी प्रतिबंध लगा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर धीमी पड़नी शुरू हो गई है, लेकिन इसी बीच वैज्ञानिकों ने अब नया दावा करके चिंता फिर से बढ़ा दी है। आईआईटी कानपुर के गणित और सांख्यिकी विभाग के वैज्ञानिकों ने लोगों से आगाह किया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि जल्द ही कोरोना की चौथी लहर दस्तक देने वाली है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना की चौथी लहर 22 जून को दस्तक दे सकती है और 23 अगस्त के करीब चौथी लहर का पीक होगा और 22 अक्टूबर तक इसका प्रभाव पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रेणु देवी आज अचानक विधानसभा में गिर पड़ी। जानकारी के अनुसार डिप्टी सीएम रेणु देवी सीढ़ियों से उतर रही थी कि अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और उसके बाद वो नीचे गिर गई। रेणु देवी के वहां गिरते ही अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और तुरंत वहां मौजूदा उनके स्टाफ ने डिप्टी सीएम को उठाया। बताया जा रहा है कि उनकी हल्की सी उन्हें चोट आई है, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से ठीक है। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी पीरियड ड्रामा गंगूबाई काठियावाड़ी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। आलिया भट्ट ने फिल्म में गंगूबाई की मुख्य भूमिका निभाई है। एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस और मुंबई के एक चैप्टर पर आधारित फिल्म को रिलीज से पहले काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े जंग ने दुनिया भर में चिंता की एक लकीर कायम कर दी है। दोनों देश के मध्य उपजे विवाद ने यूक्रेन में रह रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। यूक्रेन में भारतीय लोग हजारों की संख्या में फंसे हुए हैं। आज एयर इंडिया की 5वीं फ्लाइट 249 छात्रों और अन्य भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। फ्लाइट ने सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। ब्रिटेन की तेल कंपनी बीपी रूसी पेट्रोलियम कंपनी रोसनेफ्ट ने अपनी 20% हिस्सेदारी के साथ बाहर निकलने का फैसला लिया है। बीपी के निदेशक तत्काल प्रभाव से रोसनेफ्ट के बोर्ड से इस्तीफा दे देंगे। बीपी बोर्ड ने रविवार यानी कि 27 फरवरी को घोषणा की है कि कंपनी रोसनेफ्ट से अपनी 19.75% हिस्सेदारी के साथ बाहर निकल जाएगी, जो 2013 से उनके पास है। यूक्रेन संकट गहराता जा रहा है, ऐसे में वहां पर फंसे भारतीयों की चिंता भी बढ़ गई है। इसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को फिर से उच्च स्तरीय आपात बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देश में भेजा जा रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां फंसे कुछ भारतीय मेडिकल छात्रों ने आरोप लगाया है कि पोलैंड से सटे यूक्रेनी चेकपोस्ट पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। भारतीय छात्रों ने कहा है कि उन्हें लगभग बंधकों जैसी स्थिति में रखा गया है और जमा देने वाली ठंड में भी खाना और पानी तक के लिए उन्हें तरसना पड़ा। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड एग्जाम 2022 करीब है। बोर्ड एग्जाम किसी भी स्टूडेंट के जीवन में एक महत्वपूर्ण अवसर है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय कई बार छात्र नर्वस भी हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि किस विषय की तैयारी सबसे पहले करें। ऐसे में सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन प्लान फॉलो करना उचित बताया गया है, जिसकी जानकारी कई शिक्षकों ने दी है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस्लामाबाद की हरकतों से ऐसे संकेत मिले हैं कि इमरान खान 2018 से पहले की स्थिति में लौट आए हैं। इमरान खान चाहते हैं कि किसी भी तरह सीपेक यानी कि चीन पाक आर्थिक कॉरिडोर को रद्द करने पर आमदा है। इमरान खान ने इस बारे में अमेरिकन नागरिकता वाले NSA मोईद यूसुफ ने अमेरिका से इस बारे में कूटनीतिक पहल शुरू कर दी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राहुल यादव, सलीम भाई, अमित कुमार पासवान, जितेंद्र ठाकुर, बिहारी रजा, कोमल राज, शंकर शाह, चंदन गुप्ता, जितेंद्र कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव पर भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।